हो जाता है। कांग्रेस के राज में लोग तड़प तड़प के मर जाते थे, कर्ज ले लेके जमीनें बिक जाती थी, मकान टपरी बिक जाते थे, मंगलसूत्र चल जाते थे। आज उनको कोई गरीबों को चिंता नहीं है, मध्यम वर्ग को चिंता नहीं है। अगर बीमार हुए तो सरकार खड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनके 5-5 लाख का एक परिवार में 25-25 लाख का एक साल में इलाज हो रहा है। नहीं, इसमें निसंदेह ये जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं, चार करोड़ मकान पटेल साहब जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं उसे जमीन पर अगर आपको महसूस करना है तो आप कस्बाई इलाकों में जाइए जहां गरीब प्राइवेट अस्पताल में उस कार्ड के भरोसे जा रहा है और ठीक होकर आ रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मेरे सहयोगी अपर्णा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और बहुत खास पैनल भी बना हुआ है, लेकिन पटेल साहब ने चूंकि वक्त दिया हम उनसे ये चर्चा कर रहे हैं। अपर्णा भी आपसे सवाल करेंगी। सर सर मेरा सवाल एक यहाँ पर ये भी उठता है, मध्य प्रदेश सरकार में जो खजाने को लेकर बात उठती है, बोझ पहले से ही है लेकिन उसके बावजूद चुनाव की घोषणा से एन पहले 4% डीए बढ़ाने का ऐलान, सरकार पे क्या ये बोझ और भारी भरकम नहीं पड़ेगा? देखिए, सरकार अपने कर्मचारी जो काम करते हैं रात दिन प्रदेश के विकास और देश के विकास में सेवा देते हैं, उनका भी परिवार है, उनकी भी महंगाई के हिसाब से आवश्यकता है, और इसलिए 4% डीए बढ़ा के दिया था, खुशी की बात है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। दूसरा, हमने टैक्स भी बढ़ाया, सरकार की आय भी बढ़ी है और सरकार का खजाने भी बढ़ोतरी हुई है। हमने जहां जहां लूप होल्स थी उसको रोका है, हमने करप्शन पर रोक लगाई है, हमने वसूली ज्यादा की है और उसके कारण प्रदेश के विकास में हम 4 चांद लगा रहे हैं। हमने 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी 50 साल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी अंग्रेजों के समय से, वो राजा महाराजाओं के समय से लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आई और आज 2024 है, हमने अभी तक 46 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर दी और 2025 तक ले जाने वाले हैं। हमने गाँव में सड़कों का जाल बिछा दिया, गाँव गाँव में सड़कें बना दी है, हमने बिजली गाँव गाँव घर घर तक पहुँचा दी है और आज गाँव गाँव में सीएम राइज स्कूल सब कुछ कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता आपके निष्ठावान है, समर्पित है, बीजेपी लगातार कहती है सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और नेताओं के दरवाजे आपने खुले हुए हैं, खुले बाहें पसारी हुई हैं। आपके पास लौटू के सवाल के साथ, लेकिन सूर्य प्रकाश जी एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, अभी जो प्रश्न पूछा था कि नीति आयोग के आंकड़े और जो 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे, सुनिए मैं इसके ऊपर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप इस चीज की डेफिनेशन इससे ना करें कि जिनको भी खाद्यान्न मिल रहा है वो गरीब हैं, क्योंकि गरीबी रेखा से जो लोग बाहर निकल के आए हैं 25 करोड़ लोग, क्या आपको लगता है कि यदि उनकी जो भारत सरकार के तय पैमाने हैं उनसे ऊपर वो निकल के आए हैं तो क्या वो उच्च वर्गीय पहुंच गए? नहीं, भारत की सरकार जो 81 करोड़ लोगों को राशन दे रही है वो इसलिए भी दे रही है कि हमारे भंडारण के अंदर यदि कोई राशन सड़ जाए उससे अच्छा है कि वो मध्यम वर्ग को और जो उससे नीचे का गैर मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, उसको पहुंचे। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आपने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई, मैंने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई, आपने भी सरकारी अस्पताल से लगवाई, मैंने भी सरकारी अस्पताल से लगवाई, तो क्या आप गरीब और मैं गरीब हूं? नहीं, यह नरेंद्र मोदी जी की खूबसूरती है कि वो अनाज को सड़ाने की जगह शराब माफिया को देने की जगह घर घर में पहुंचाने में विश्वास रखते हैं। ये कांग्रेस की नीति रही है शराब माफिया को सड़ाकर अनाज पहुंचाने की, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक, प्लीज कंटिन्यू। दवा और अनाज जो आपने जोड़ा है, गेहूं से लेकर या अनाज से खाद्यान्न से लेकर वैक्सीन तक, एक बात और भी है, ऐसा नहीं है, हमारे अपने सर्वे में निकल कर आया 56% बेरोजगारी को लेकर लोग वोट करना चाहते हैं। सवाल यह है कि विपक्ष हो भी तो, मैंने अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान भी यह महसूस किया, लोगों ने साफ कहा कि विपक्ष है कहां। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी मैथिल साहब प्लीज, देखिए आपने कहा 56% बेरोजगारी, मैं पहले आपसे यह पूछता हूं कि यह आंकड़ा आपने कहां से उठाया, मुझे इसका उत्तर दीजिए। देखिए एनएसएसओ जो है वो आंकड़ा नहीं देता है। नहीं, 56% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली थी तब इस देश की एक कील से लेके और जहाज तक चीन से बन के आता था। ये जो नरेंद्र मोदी नाम के एक करिश्माई व्यक्तित्व है, उन्होंने भारत में जब से सत्ता संभाली मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के माध्यम से देश को उपभोक्ता से उत्पादक के रूप में शिफ्ट किया है। देश के अंदर इंडस्ट्री लगाने, स्टैंडअप स्टार्टअप स्टार्ट कराने, यूनिकॉर्न बनाने और उसके अलावा
देश के उद्योग वर्ग को प्रोत्साहित करने का काम इन्होंने किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता आपके कौन से सर्वे हैं, लेकिन आज देश की जनता तो ये बोल रही है कि आज हम भारत में सूर्य प्रकाश महसिल जी, तीन बड़े मुद्दे थे महत्वपूर्ण। पहला मुद्दा 56% लोगों ने माना कि रोजगार एक ऐसा जब वो बटन दबाएंगे, जब वो बटन दबाएंगे उनके जहन में पहला मुद्दा ये आएगा, ठीक है। और तो वो आएगा ना, उनको पता है ना कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को रोजगार दिया, उन्होंने चीन के उपनिवेश को हटाकर भारत को एक औद्योगिक क्रांति और उद्योग जगत का एक बड़ा सितारा बना दिया है भाई। ठीक ठीक सूर्या जी, ठीक है, अगर रोजगार की अगर यही स्थितियां होती तो यूपी से हमें इसराइल नहीं जाना पड़ता ना। ठीक है, आएंगे आप बातें आप कर रहे हैं आज यूपी के गलत बात, आपने गलत टिप्पणी की है। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी का राज में 18% की बेरोजगारी दर थी, विभाजन करेंगे बेरोजगारी के आंकड़ों का तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में ज्यादा बेरोजगारी निकले। सुधीर जी भी हमारे साथ बने हुए, सुधीर जी के पास मैं बहुत देर से गया नहीं हूं। सुधीर जी, अब मुद्दों से लड़ाई चेहरों पर आ चुकी है और चेहरों से मामला अब सीधे सीधे रहेगा उस बात की तरफ जिसे लेकर आपने वो शेर कहा था। आयोग के ऊपर चूंकि आरोप धड़ाल से लग जाता है, तब आयोग ने कहा था कि नेताओं को अपने बयानों पर बहुत सावधानी बरतनी है और अब जिम्मेदारी हमारी भी बढ़ेगी। जी सुधीर जी प्लीज। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है वहाँ पर मीडिया और खास तौर से नेटवर्क एटेंट समूह जो है वो हमेशा बड़ी जिम्मेदारी निभाता रहा है, पूरे जिम्मेदारी के साथ तथ्यों के साथ और सच्चाई अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहा है। आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा और हम हमेशा से कहते आए हैं कि चुनाव मतलब न्यूज़, और उसी जिम्मेदारी को लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में भी हम उसी शिद्दत के साथ निभाएंगे। जो बात ललित अभी आपने कही थी, जहां तक सवाल चेहरों को लेकर लड़ाई का है, जहां तक बयानबाजी का है और जहां तक तथ्यों का है, एक बात चुनाव आयोग ने यह भी कही है कि जो तथ्य होंगे उनको न किया जा विज्ञापन में और समाचारों में यानी कि खबरों में, यह फर्क करना होगा और इसको समझना होगा। तो इसको पूरी गंभीरता के साथ हम भी समझते हैं, हमारी टीम भी समझती है, और जहां तक जो अलग अलग चेहरे शामिल होंगे पार्टियों में, जो लोग शामिल होंगे वो पार्टियों की नीति रीति है, वो पार्टियों का काम है कि उनके पास जो लोग आएंगे या जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके प्रति वो कैसे रवैया अपनाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत कमेंट नहीं किए जाएंगे, नफरत किए जाने वाले कमेंट वो भी नहीं किए जाएंगे। एक बहुत बड़े जो चीज है ललित, आप देखना चुनाव में हमेशा पैसों को लेन देन के आरोप लगते हैं और पैसों की हेराफेरी के आरोप लगते हैं कि पैसा पहुंचाया जा रहा, पैसे दे के वोटिंग हो रही है। तो चुनाव आयोग ने एक नई चीज इस बार लाई है कि जो हवा में जो पैसा उड़कर पहुंचता है यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए, चार्टर प्लेन के जरिए जो पैसा पहुंचता है, इस बार उनकी भी जांच होगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि हेलीकॉप्टर के जरिए अगर पैसा जा रहा हो तो उनकी जांच नहीं होती थी। अब हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन जैसे ही लैंड करेंगे उनकी जांच होगी। तो कहीं ना कहीं पैसे का जो मामला है, और चुनाव आयोग लगातार चुनावों को जो पारदर्शी बनाने के प्रयास कर रहा है उस दिशा में, इसको एक बड़ा कदम ललित माना जा सकता है। जी आप कह रहे हैं, वंदना जी इसी मुद्दे पर बात आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको लेकर यह आरोप लगाया कि जिनके पास जो संपन्न है कांग्रेस ने उन्हीं को टिकट दिया है, चाहे फिर वो ताम्रध्वज साहू हो या भूपेश बघेल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल इस पर साफ बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर सबसे बड़ा यदि लोकतंत्र की पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और लगातार जो कार्य कर रहे हैं और जो लगता है कि नहीं हमको, क्योंकि चुनाव में हम वही कैंडिडेट को आगे करना चाहते हैं कि जो वाकई में जो जीत करके आ सके।